एक ऐसी शेरनी जिसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि न चाहते हुए भी उसे अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ना पड़ता है। ये कहानी वाकई में बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि इस कहानी में एक शेरनी को जीने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए इतना खतरनाक संघर्ष करना पड़ता है कि संघर्ष करने के दौरान ये शेरनी अपना सब कुछ खो देती है, जिसके बाद इसके पास केवल एक ही रास्ता बचता है, मरो या मारो। अपने तीनों बच्चों को खोने के बाद इस शेरनी का दिमाग इस हद तक घूम जाता है कि ये अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए भैंसों के एक बड़े से दल के मुखिया को ही खत्म कर डालती है, जो कि लगभग एक टन जितना भारी रहता है, और अकेले ही 4 से 5 शेरनियों पर हमला कर देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस शेरनी के तीनों बच्चों की मौत किस वजह से होती है। इसके अलावा जानेंगे कि ये शेरनी अपने बच्चों की मौत का बदला किस अंदाज में लेती है। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। ये कहानी है मार्डी टाउन नाम की शेरनी की, जिसका कोई प्राइड नहीं है, इसीलिए वो बोट्सवाना के जंगल में किसी साथी की तलाश में भटक रहती है। कुछ दिनों बाद उसे एक नर ताकतवर शेर मिल जाता है, जिसके साथ वो मेटिंग करके एक नए प्राइड की शुरुआत करना चाहती है। हालांकि मार्डी टाउ का एक छोटा सा परिवार तो हो जाता है, लेकिन परिवार के मुखिया के सामने मरने या मारने वाली चुनौती आ जाती है। अफ्रीका के जंगलों में अक्सर इंसानों और शेरों के बीच मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन उन मुठभेड़ों की वजह से शेरों की जिंदगी में कितनी उथल पुथल मच जाती है ये इंसानों को पता नहीं रहता। अफ्रीका के लोकल लोगों ने कुछ शेरों को नॉर्थ से भगा दिया है, जिसके बाद 3 ताकतवर शेर अपना नया साम्राज्य बनाने के लिए मार्डी टाउ के इलाके में घुसपैठ कर लेते हैं, जिसके बाद मार्डी टाउ के साथी को अपना इलाका और अपने बच्चों को बचाने के लिए इन 3 ताकतवर शेरों से लड़ना ही पड़ता है। हालांकि मार्डी टाउ का साथी इन 3 ताकतवर शेरों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उन 3 शेरों की ताकत के आगे ये शेर टिक नहीं पाता और बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस लड़ाई में मार्डी टाउ भी थोड़ी सी जख्मी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने जख्म रिकवर करने के लिए कुछ दिनों तक गायब रहती है। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक होकर लौटती है और अपने साथी को तलाशती है, तब उसे उसका साथी बहुत बुरी हालत में नजर आता है। यानी मार्डी टाउ के साथी की इतनी बुरी हालत हो चुकी रहती है कि वो कभी भी मर सकता है, जिसके बाद मार्डी टाउ अपने 3 बच्चों को लेकर इस इलाके से निकल जाती है। अगर वो इसी इलाके में रहती तो ये 3 बंजारे शेर ना केवल उसके बच्चों को खत्म कर डालते, बल्कि मार्डी टाउ को भी जिंदा नहीं छोड़ते। मार्डी टाउ अपने 3 बच्चों के साथ पश्चिम की ओर निकल जाती है कि तभी उसके आड़े आता है सिल्वर आई नाम की शेरनी का गैंग। सिल्वर आई की आंख मार्डी टाउ ने ही फोड़ी थी, जिसका बदला वो मार्डी टाउ से तो जरूर लेगी। सिल्वर आई मार्डी टाउ और उसके बच्चों की गंध का पीछा करते रहती है, जिसके कुछ देर बाद बिजली कड़कने की वजह से मार्डी टाउ के रास्ते में मौजूद घास में आग लग जाती है। अब यहाँ मार्डी टाउ पूरी तरह से फंस जाती है। आगे रहती है आग और पीछे रहती है सिल्वर आई और उसकी गैंग। मार्डी टाउ के 3 बच्चों में से एक बच्चा काफी कमजोर रहता है, बाकी 2 बच्चे चालाक होने की वजह से मुसीबत को सामने देख कर अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन एक कमजोर बच्चा आग के आस पास फंसा रहता है, जिसे उसकी माँ बचा लेती है। आग से बचने के बाद मार्डी टाउ अपने बच्चों को लेकर फिर से आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि सिल्वर आई की गैंग कभी भी उसके पास पहुंच सकती है, इसीलिए वो लगातार बच्चों को लेकर आगे बढ़ती रहती है कि तभी उनके रास्ते में एक बड़ी सी नदी आ जाती है। इस नदी को मार्डी टाउ तो आराम से पार कर लेगी, लेकिन उसे डर रहता है कि कहीं उसके बच्चे इस नदी में खो न जाए, लेकिन उसके पास इस नदी को पार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। मार्डी टाउ और उसके 2 बच्चे इस नदी को पार करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चा कमजोर रहता है वो इस बड़ी सी नदी को देखकर जगह पर ही रुका रहता है। अब इस बच्चे के पीछे भी मौत रहती है और आगे भी मौत, लेकिन नदी के उस पार रहती है जिंदगी, जहाँ तक पहुँचने के लिए इस बच्चे को इस दरिया में कूदना ही पड़ेगा। हालांकि बच्चा बड़ी हिम्मत से अपनी माँ के पास पहुँचने के लिए इस नदी में कूद तो जाता है और थोड़ी दूर तक तैरता भी है, पर
अफसोस कि वो अपनी माँ के पास पहुँच नहीं पाता और बीच में ही डूबकर मर जाता है। और अपने इस बच्चे की मौत को ये माँ सिर्फ अपनी आँखों से देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद मार्डी टाओ अपने दो बच्चों को लेकर एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, जिसे डूबा नाम से जाना जाता है। इस डूबा नाम के इलाके में ये माँ अपने दो बच्चों के साथ काफी दिनों तक सुरक्षित रहती है, लेकिन इनकी खुशहाल जिंदगी में फिर से उथल पुथल मचाने के लिए आ जाता है बफेलो का एक बड़ा सा झुंड, जिसका लीडर रहता है स्कारफेस नाम का एक भैंसा, जिसका वजन लगभग 1 टन जितना रहता है। अगर मार्डी टाओ अकेली रहती तो ये भैंसे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ है। इसके बावजूद भी वो भैंसों के झुंड में से किसी न किसी को निपटाने का मौका जरूर ढूंढेगी। और मौका आ जाता है रात के रूप में। रात के समय झुंड से अलग हुए भैंसे के एक बच्चे को मार्डी टाओ निशाना बना लेती है और देखते ही देखते उस बच्चे को दबोच लेती है कि तभी उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी माँ आ जाती है। यहाँ एक माँ दूसरी माँ के बच्चे को इसीलिए मारना चाहती है ताकि उसके दो बच्चे जिंदा रह पाए, और दूसरी माँ अपने बच्चे को इसीलिए बचा रही है कि वो भी अपने बच्चे को जिंदा रख पाए। दोनों माएं अपने बच्चों के लिए ही लड़ रही है, पर फिलहाल मार्डी टाओ पीछे हट जाती है। वो इसीलिए क्योंकि वो दोबारा से शिकार का मौका ढूंढ ही लेगी। अगले दिन मार्डी टाओ बफेलो के झुंड पर अचानक से हमला करती है ताकि भगदड़ के समय कोई न कोई कमजोर भैंसा झुंड से अलग हो सके, और ऐसा होता भी है। मार्डी टाओ एक भैंसे पर हमला कर देती है, इसके बावजूद भी वो बचकर निकल जाता है। इस भगदड़ से सिल्वर आई चौकन्नी हो जाती है, जिसके बाद सिल्वर आई का गैंग रात के समय नदी पार करके डूबा में पहुंच जाता है। अब भले ही मार्डी टाओ और सिल्वर आई के बीच घमासान युद्ध क्यों न हो जाए, फिर भी वो डूबा को छोड़कर नहीं जाएगी। एक तो डूबा को नदियों ने चारों ओर से घेर कर रखा है, और दूसरा डूबा के बाहर कब कौन सा नर शेर मार्डी टाओ के बच्चों पर हमला कर दे कह नहीं सकते। इस बार मार्डी टाओ अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नदी में मौजूद भैंसों के झुंड पर हमला करने चली जाती है, और ये सब सिल्वर आई देख लेती है। सिल्वर आई को पता चल जाता है कि मार्डी टाओ के बच्चे अकेले हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए वो बच्चों के पास चली जाती है। लेकिन इधर मार्डी टाओ को आभास हो जाता है कि कहीं न कहीं उसके बच्चे खतरे में है, जिसके बाद वो शिकार करने का प्लान कैंसिल करके अपने बच्चों के पास आ जाती है कि तभी उसे अपने बच्चों के आसपास नजर आती है सिल्वर आई, जिसे देखते ही मार्डी टाओ सिल्वर आई से भिड़ जाती है, जिसके बाद सिल्वर आई हार मानकर यहां से चली जाती है। इस वक्त मार्डी टाओ के लिए जितना जरूरी बच्चों को बचाना है उतना ही जरूरी शिकार करना भी है। अगर वो बच्चों को अकेला छोड़कर शिकार पर जाती है तो उसके बच्चों के लिए सिल्वर आई खतरा बन सकती है। इससे बचने के लिए मार्डी टाओ एक तरकीब निकालती है। वो अपने बच्चों को भैंसों के झुंड के आसपास ही रखती है ताकि उन्हें सिल्वर आई से कोई दिक्कत ना हो, जिसके बाद वो शिकार पर निकल जाती है। हालांकि पहली बार में उसकी पकड़ से एक भैंसा बचकर निकल जाता है, लेकिन दूसरी बार में वो एक छोटे भैंसे को दबोचकर मार डालती है। पर अफसोस कि वो अपने शिकार को ज्यादा देर तक बचा नहीं पाती। जब उसका पेट भर जाता है तब लुटेरे हाइनस आकर मार्डी टाओ से उसका शिकार छीन लेते हैं, जिसके बाद वो उस जगह पर जाती है जहां उसने अपने बच्चों को रखा था। लेकिन वहां पहुंचकर उसे उसके बच्चे नजर नहीं आते, जिसके बाद वो अपने बच्चों की गंध को सूंघते हुए आगे बढ़ती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे उसकी एक फीमेल कब नजर आती है, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। लेकिन मार्डी टाओ तब बहुत हैरान हो जाती है जब वो उसे अपने मुंह में उठाने की कोशिश करती है। इस फीमेल कब की पीठ पर किसी भैंसे ने पैर रख दिया है, जिसके चलते उसके पीछे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। वो सिर्फ अपने आगे के पैरों से रेंगते हुए चल सकती है। हालांकि मार्डी टाओ अपनी इस बच्ची को मुंह में पकड़कर काफी दूर तक लाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो समझ जाती है कि उसकी ये बेटी इस हालत में खतरों से भरे इस जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसके बावजूद भी वो अपनी इस बेटी के पास दिन भर रहती है, लेकिन अंत में उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी लाइफ का सबसे कठिन फैसला रहता है। यानी न चाहते हुए भी उसे अपनी इस बेटी को हमेशा के लिए छोड़कर जाना ही पड़ता है। जंगल में घट रही ये घटना इतनी दुख भरी है कि जिसे कोई भी देखेगा तो उसकी आंखों से
आंसू जरूर आ जाएंगे। जिन बच्चों को बचाने के लिए ये माँ न जाने कितनों से लड़ी होगी, आज कुदरत ने उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी कि एक माँ को अपनी बच्ची को मरने के लिए छोड़कर जाना पड़ रहा है। वो बच्ची पूरी जी जान से अपनी माँ के पीछे पीछे रेंगते हुए जाती है, लेकिन माँ नहीं रुकती, वो आगे बढ़ती रहती है और जोर जोर से दहाड़ते रहती है। शायद उसे अपने सभी बच्चों को गंवाने का दुख हो रहा होगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे बफेलो का झुंड नजर आता है, जिन्हें देखकर मारी टाउ समझ जाती है कि उसके बच्चे को खत्म करने वाले ये बफेलो ही है। अब इस माँ के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही ये किसी प्राइड का हिस्सा है, ना ही इसका कोई साथी है और ना ही इसके बच्चे है। अब इसका घूम चुका है दिमाग। अब मारी टाउ न आगे देखती है और ना ही पीछे, और सीधे जाकर भिड़ जाती है बफेलो झुंड के सरदार से। हालांकि मारी टाउ स्कारफेस को जान से नहीं मारती, लेकिन उसका नाक मुंह सब फोड़ डालती है, जिसके बाद उसका ध्यान सिल्वर आई की गैंग पर जाता है। जब कभी भी मारी टाउ इनसे लड़ी है, उसे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानेगी। कहते हैं जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और अब मारी टाउ सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो फिर एक बार सिल्वर आई से जाकर भिड़ जाती है और इस बार भी सिल्वर आई हार मान लेती है। अब मारी टाउ जाती है स्कारफेस बुल को जान से मारने के लिए, और उसे फॉलो करता है सिल्वर आई का पूरा गैंग। सिल्वर आई को छोड़कर बाकी सभी शेरनियां मारी टाउ के तरफ हो जाती है। अब मारी टाउ बन जाती है लीडर, जिसके बाद मारी टाउ और उसके पीछे ये शेरनियां, ये सब मिलकर अब खत्म करने वाले है स्कारफेस बुल को। इसी स्कारफेस बुल के झुंड ने मारी टाउ की बच्ची के पीछे का हिस्सा अपाहिज कर दिया था, जिसका बदला अब ये शेरनी किसी भी कीमत पर लेकर ही रहेगी। जब मारी टाउ और बाकी शेरनियां बफेलो झुंड का सामना करते रहती है, तब अचानक से शेर का एक बच्चा घास में से निकलकर आता है, जो कि मारी टाउ का ही बेटा रहता है। अपने बच्चे को जिंदा देखकर वो खुश हो जाती है और पूरी ताकत से स्कारफेस पर हमला कर देती है, जिसके बाद मारी टाउ की मदद के लिए सिल्वर आई भी आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई के सारे सिपाही अब मारी टाउ की तरफ आ गए हैं। एक तरफ है 500 से ज्यादा भैंसे और दूसरी तरफ है 6 से ज्यादा शेरनियां। शेरनियों का लक्ष्य है भैंसों के झुंड का सरदार, जिसके बाद वे सारे भैंसों को छोड़कर स्कारफेस पर टूट पड़ती है। आधी शेरनियां भैंसों के बीच भगदड़ मचाती है और इधर मारी टाउ स्कारफेस का दम घोटकर उसे खत्म कर डालती है, और ये सब नजारा मारी टाउ का बेटा दूर से ही देखते रहता है। अब मारी टाउ को सिल्वर आए और बाकी शेरनियों का सपोर्ट मिल चुका है, जिसके चलते अब वो अपने इस नन्हे बेटे की देखभाल अच्छे से कर पाएगी। तो दोस्तों, ये थी मारी टाउ की कहानी। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी है और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, लेकिन साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।